खबर मैनपुरी से मिल रही है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है। 12 लाख से ज्यादा वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 982 मतदान केंद्र पर 2,085 बूथ बनाए गए हैं। 148 अतीत संवेदनशील और 18 संवेदनशील बूथ है। जनपद को 22 जोन 124 सेक्टर में बांटा गया है। 60,000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात है। प्रदान पत्र के 4,850 मैदान में है। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी के 3,417 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला आज होगा। गड़बड़ी करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह से ही लोग निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू हो गया है। 60,000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। 12 लाख से ज्यादा वोट भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। बता दें आपको कि 982 मतदान केंद्र, 2,085 बूथ बनाए गए हैं और 148 अतीत संवेदनशील और 18 संवेदनशील बूथ यहां पर है। जनपद को 22 जोन और 124 सेक्टर में बांटा गया है। 60,000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। प्रदान पत्र के लिए 4,850 उम्मीदवार मैदान में है। तो वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 367 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। और जो भी यहाँ गड़बड़ी करता है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।